नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप न्यूज़ फॉर नेशन पे हैं। बिहार का ये गांधी मैदान है जो कई रैलियों का गवाह रहा है। कुछ ही देर में कन्हैया कुमार सीएए एनआरसी के खिलाफ यहां हुंकार भरने वाले हैं। बता दें कि इस रैली के आयोजन से पहले कन्हैया ने सीएए एनआरसी को लेकर पूरे बिहार में हर जिलों में जाकर अलख जगाया था, और उसके लिए खास तौर पर उन्होंने जनगण मन यात्रा की शुरुआत की थी गांधी जी के भितिहरवा आश्रम चंपारण से, जहां बवाल भी खड़ा हुआ था। और फिर बाद में नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद उनकी यात्रा वहां से शुरू हुई, लेकिन लगातार कई जगहों पे उन पे हमले भी किए गए। लेकिन जनगण मन यात्रा को कभी भी कन्हैया ने विराम नहीं दिया, और वो आज इस पड़ाव पे है। आप देखिए गांधी मैदान को और खुद आकलन कीजिए कि इस रैली में कितनी भीड़ है। लगातार जिस तरीके से लोगों से मैंने भी बातें की है, तो अपने अपने हिसाब से वो अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये पूर्णतः दर्शकों के ऊपर है कि वो देखें और खुद अनुमान लगाएं कि आखिर अभी तक जो करीब करीब 2 बजने वाला है और कुछ ही देर में कन्हैया इस रैली को संबोधित करने वाले हैं, कि भीड़ कितनी होगी। ये आप पे निर्भर करता है। आप खुद आकलन करें कि सीएए एनआरसी के खिलाफ जो रैली, संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ की रैली, हालांकि इसे लेकर पूरे देश में विपक्ष के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कन्हैया कुमार सबसे सशक्त चेहरे के तौर पे, सबसे मजबूत चेहरे के तौर पे उभरे हैं, और वो कुछ ही देर में यहां रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, और संभवतः कन्हैया इस रैली से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी फूकेंगे। बता दें कि उन्होंने बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो वहां पराजित हुए थे, और अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो लगे हैं, और सीएए एनआरसी के खिलाफ जो रैली है उसे कुछ देर में संबोधित करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से अभी तक भीड़ यहाँ पहुँच चुकी है। आकलन आपको करना है कि ये रैली में कितने लाख की भीड़ आई, हज़ार की भीड़ आई या लाखों की भीड़ आई, ये तय आपको करना है। हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा जूम भी करें और लोगों को दिखाएं कि कितनी भीड़ करीब करीब यहाँ पहुँच चुकी है, और करीब करीब 2 बजने वाला है। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये रैली का पिक टाइम होता है। और ये देखिए कि किस तरीके से गांधी मैदान का कितना इलाका, कितना फ्लैंक भरा हुआ है और कितना खाली है। अब कुछ ही देर में कन्हैया रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ रैली जो गांधी मैदान में आयोजित किया गया है, गांधी मैदान खुद कई रैलियों का गवाह रहा है, और रैलियों के सहारे कई दफ़ा सत्ता से लेकर समाज तक में परिवर्तन आया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि ठीक माने साल के अंतिम होने वाले जो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले कन्हैया के द्वारा की गई गांधी मैदान में रैली का इम्पैक्ट क्या वहां तक जाता है, या एनआरसी पर जिस तरीके से नीतीश कुमार का दांव चला गया है, उसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव या आने वाले समय में जो राजनीति है उस पर पड़ेगा। लेकिन आपको छोड़े जाते हैं गांधी मैदान के इस तस्वीर के साथ, इस वीडियो के साथ। 2 बजने वाला है, कन्हैया कुछ देर में रैली को संबोधित करेंगे, कि आखिर भीड़ कितनी है। आप आकलन खुद करें, ये रैली टॉप है या फ्लॉप है।